वेट लॉस या फिर हेल्थ मेंटेन करना, डाइट राइट आपकी सेवा में हाजिर है, वो भी एट द लोवेस्ट प्राइस एवर। डाइट राइट लाया है कस्टमाइज्ड डाइट फूड, 5 मील्स पर डे ओनली एट 425। आपका डाइट फ्रेश और ऑलिव ऑयल में बनाकर आपके घर फ्री डिलीवर किया जाएगा। तो घर बैठे करें फैट लॉस और एक हेल्थी लाइफ के लिए अभी कांटेक्ट करें डाइट राइट। डोंबिवली के मानपाड़ा में 15 वर्षीय किशोरी के साथ 30 लोगों ने किया गैंगरेप। जनवरी से सितंबर तक लगातार होता रहा गैंगरेप। प्रेमी ने किया था पहला रेप, बनाकर वीडियो किया ब्लैकमेल। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। कल्याण से सटे डोंबिवली में, डोंबिवली में मानपाड़ा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक सनसनीखेज और दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है। 15 वर्षीय एक नाबालिग लड़की के साथ उसके ही एक दोस्त ने, यानी उसका प्रेमी ही है, 20 वर्षीय यह प्रेमी, इसने जनवरी महीने में पहली बार उसके साथ रेप किया। रेप करने का इस प्रेमी ने वीडियो बनाया, फिर अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप पर इस वीडियो में उसने चैटिंग के साथ उसको शेयर किया और इसी वीडियो के आधार पर गत जनवरी 2021 से लेकर सितंबर 2021 तक, यानी 9 महीने तक इस नाबालिग 15 वर्षीय लड़की के साथ ये 30 दोस्त अलग अलग मौके पर, अलग अलग समय पर, अलग अलग जगहों पर उसे ले जाकर उसके साथ लगातार गैंग रेप करते रहे। कभी 2 लोग, कभी 4 लोग, कभी 6 लोग, कभी 8 लोग, इस तरीके से इस नाबालिग लड़की के साथ इस पूरे गिरोह ने गैंगरेप किया। 16 साल से लेकर 23 साल तक के उम्र के तमाम आरोपियों की इसमें भरमार है। 30 आरोपियों में से 26 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय कराले ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पुलिस जो है लड़की द्वारा शिकायत देरी से क्यों की गई, इसके कारणों की भी जांच कर रही है। वहीं स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इसके लिए बनाई गई है। महिला पुलिस असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर है सोनाली ढोले, इनके नेतृत्व में इसकी जांच की जा रही है। अब तक जो है 2 नाबालिग लड़कों समेत 26 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूरा मामला जो है वो कुछ इस तरह से उजागर हुआ। लड़की अपने अंटी के साथ एक बर्थडे पार्टी में गई थी, मगर अंटी ने देखा कि बर्थडे पार्टी में लड़की का मन नहीं है और वो लगातार फोन पर किसी से बात कर रही है, मैसेजेस में, चैटिंग में लगी हुई है। इसके बाद अंटी ने उसको घर पर ले जा करके उससे भरोसा दिला करके उसे पूरी बातचीत की। बातचीत के बाद लड़की ने उसे बताया कि जनवरी में कैसे उसके प्रेमी ने उसके साथ बलात्कार कर वीडियो बनाया। हालांकि पुलिस का कहना है कि लड़की के मोबाइल से या गिरफ्तार किए गए आरोपी प्रेमी के मोबाइल से उसका वो ये वीडियो जो कथित रूप से वीडियो है वो अभी बरामद नहीं हुआ है। पुलिस ने फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए ये तमाम मोबाइल जो है, जितने आरोपियों के मोबाइल है, प्रेमी का है, इवन पीड़ित लड़की का है, ये भी मोबाइल जो है सभी फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए भेज दिए हैं। उसके बाद ही इस वीडियो के होने की या न होने की सच्चाई का पता चलेगा। वहीं नाबालिग लड़की द्वारा दिए गए बयान के अनुसार ये तमाम लड़के, जिनमें से कईयों को वो पहले से ही जानती है और उसके प्रेमी के भी वो दोस्त हैं, उसके भी संपर्क और संबंध में वो रहे हैं, ऐसे ये तमाम लड़के कभी डोंबिवली, मुरबाड़, बदलापुर, रबाले, ऐसी अलग अलग जगहों पर ले जाकर के उसके साथ ये लोग गैंगरेप किया करते थे। गत बुधवार को यानी 22 सितंबर को बर्थडे पार्टी के बाद ये पूरा मामला उजागर होने के बाद लड़की की आंटी ने स्थानीय समाज सेवकों की मदद ली और उन्होंने ट्रैप लगाया। ट्रैप लगाने के दौरान जो है लड़की को, जब ये लड़के एक ऑटो रिक्शा में लेकर के निकले तो आंटी, समाज सेवक, आंटी के पति, ये सभी एक रिक्शा से उसका पीछा कर रहे थे, मगर रिक्शा पंचर होने की वजह से पीछा करने का काम अधूरा रह गया। मगर लड़की ने अपने मोबाइल से आंटी को जीपीएस ट्रैकिंग से उसका लोकेशन भेजा, उसी के आधार पर पुलिस को सूचित कर फिर पुलिस ने छापा मारकर यहां पर इन लड़कों को दबोचा। दबोचने के दौरान यहां पर 6 लड़के मौजूद थे लड़की के साथ गैंगरेप करने के लिए। 4 उसमें से फरार हुए, 2 को उस वक्त गिरफ्तार किया गया बुधवार की रात को, और उसके बाद गुरुवार को बाकी की तमाम अन्य 24 लोगों की गिरफ्तारियां हुई है। बाकी के अन्य आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। महाराष्ट्र में, मुंबई में, ठाणे में, अन्य कई जगहों पर लगातार रेप की वारदातें बढ़ती जा रही है। नाबालिग लड़कियां हो या फिर बालिग
महिलाएं औरतें हों, इनके साथ ये लगातार बढ़ती रेप की घटनाएं जो है वो समाज किस ओर जा रहा है और समाज में कानून व्यवस्था का कोई डर नहीं रहा है, खास करके रेप के मामलों में और महिलाओं के साथ होने वाली अभद्रता और शारीरिक उत्पीड़न के मामलों में ये पूरी तरीके से जो है अब प्रतीत हो रहा है कि कानून व्यवस्था का खौफ नहीं है। अपराधी जो है महिलाओं को खिलौना समझ रहे हैं, नाबालिग बच्चियों को युवतियों को खिलौना समझ रहे हैं, इसीलिए शायद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने महाराष्ट्र में शरिया कानून लगाने की मांग की है। क्या मामला है एक नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार सामने आया है और मैंने से चल रहा था क्या अभी तक? कल रात को मानपाड़ा पुलिस स्टेशन डोंबिवली में एक नाबालिग लड़की ने आके कंप्लेंट दी है कि जनवरी 2021 से कल 22 सितंबर 2021 के 8.5-9 महीने के पीरियड में उसके जो पहले दोस्त थे ऐसे दोस्त लड़कों ने अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे उस पर बलात्कार किया है। उसके कंप्लेंट के बाद तुरंत पुलिस स्टेशन में केस दर्ज हुई है। टोटल 29 लोगों के उस लड़की ने नाम बताए, उसमें से 23 लड़कों को हमने ताबे में लिया है, अरेस्ट किया है। उसमें से 2 नाबालिग बच्चे यानी कि विधि संघर्षग्रस्त बालक है, बाकी 21 आरोपी है। ये कंप्लेंट आने के बाद तुरंत डीसीपी सचिन गुंजाल और बाकी ऑफिसर्स ने टीम्स बना के 21 लोगों को अरेस्ट किया और जो स्पॉट था स्पॉट का भी जायजा किया है। इस इन्वेस्टिगेशन के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है, मैं और डीसीपी तो है, लेकिन ये महिला की केस होने के कारण और इसकी व्याप्ति देख के महिला एसीपी सोनाली ढोले इस केस का इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जो लड़की ने बताया है उससे साबित हम सब चीजें वेरीफाई कर रहे हैं। लड़की की तबीयत अभी कैसी है और ये जो आरोपी है ये कहाँ के रहने वाले? लड़की और ये सब आरोपी डोंबिवली एरिया के रहने वाले हैं। उसमें से कुछ लड़के उसको एक दूसरे के पहचान के थे, दोस्त रहते थे। Thank you.